क्रिकेट की सारी लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट पाने के लिए भी सब्सक्राइब करें। सो हेलो गाइज, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एशिया कप 2020 के बारे में, जो कि एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है पाकिस्तान के लिए। खास करके बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिल गई है, जो कि एएससी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को दे दिया है होस्ट की पूरी राइट्स, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा एशिया कप 2020 की मेजबानी। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों, आपको बता दूं कि एशिया कप हर 2 साल बाद खेला जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही एशिया कप 2018 खेला गया था, जिसकी विनर थी टीम इंडिया। तो वहीं उसके बाद एएससी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 2020 में होने वाले एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को दे दी है, यानी कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा होस्ट एशिया कप 2020 का, जो कि सितंबर 2020 में खेला जाएगा एशिया कप 2020। और दोस्तों, इस बार का जो टूर्नामेंट होगा एशिया कप 2020, ये T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। जो इससे पहले हुआ था यानी कि एशिया कप 2018, वो ODI फॉर्मेट में खेला गया था, यानी कि 50-50 ओवर का, लेकिन इस बार T20 फॉर्मेट में होगा, यानी कि 20-20 ओवर का होगा। दोस्तों, एशिया की सभी टीमों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि इसके तुरंत बाद ही T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, जिससे सभी एशियाई टीम को काफी अच्छी खासी तैयारियां मिल जाएंगी। दोस्तों, एशिया क्रिकेट काउंसिल के हेड नजमुल हसन ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल चुकी है एशिया कप 2020 की मेजबानी। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहां होस्ट करता है ये सारे मैचेस, क्या पाकिस्तान में होंगे या फिर UAE में होंगे? अगर पाकिस्तान में होंगे तो क्या सारी टीमें पाकिस्तान का दौरा करेंगी, पाकिस्तान में सारी टीम जाएंगी? तो दोस्तों, मैं आपको सबसे अहम बात ये बता दूं कि एशिया कप 2020 अगर पाकिस्तान में खेला जाएगा तो सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सारी टीम पाकिस्तान का दौरा कर सकती हैं, पाकिस्तान में जाकर खेल सकती हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है, जो कि सबसे बड़ी टीम भारतीय टीम क्या पाकिस्तान का दौरा करेगी या फिर नहीं? दोस्तों, एशिया कप 2020 की होस्ट राइट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलने के बाद BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक अपील करी है, एक नोटिस लिखा है। उसमें यह कहा है कि हमारे सारे खिलाड़ी पाकिस्तान में जाकर नहीं खेल सकते, तो हो सके एशिया कप 2020 को किसी और कंट्री में शिफ्ट किया जाए। तो पाकिस्तान को एशिया कप 2020 UAE या फिर किसी और कंट्री में होस्ट करना पड़ सकता है। जैसा कि इससे पहले BCCI को मिली थी एशिया कप 2018 की होस्ट राइट, तो उन्होंने UAE में होस्ट किया था, क्योंकि पाकिस्तान ने साफ साफ मना कर दिया था भारत का दौरा करने के लिए। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहेगा कि एशिया कप 2020 पाकिस्तान में ही खेला जाए, उनके होम ग्राउंड में ही खेला जाए, जिससे पूरी तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आ जाए। क्योंकि दोस्तों, 2009 के बाद अभी तक कोई भी बड़ी टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है, जैसा कि वेस्टइंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और वर्ल्ड 11, इन सारी टीमों ने पाकिस्तान का दौरा किया था। ऐसे में अगर पूरी तरह से सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलती है तो ये सारी टीम दौरा कर सकती है पाकिस्तान का। लेकिन जहां तक बात रही इंडिया की, तो भारतीय टीम दौरा नहीं करेगी पाकिस्तान का, तो ऐसे में UAE में मैच खेले जा सकते हैं, इंडिया के सारे ही मैचेस, या फिर पूरा एशिया कप 2020 UAE में खेला जा सकता है। और अगर आने वाले टाइम में इंडिया और पाकिस्तान के पॉलिटिक्स रिश्ते सही हो जाते हैं तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, वरना फिर UAE या फिर किसी और देश में होस्ट करेगी PCB यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अगर हम बात करें एशिया कप 2020 की सभी टीमों के बारे में कि कौन कौन सी टीमें होंगी एशिया कप 2020 में जो खेलेंगी, तो कुछ इस तरह से होंगी, जो कि पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और एक टीम होगी जो क्वालिफाइड टीम होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपने राय जरूर दें, क्या एशिया कप 2020 पाकिस्तान में खेला जाना चाहिए या फिर नहीं, या फिर UAE या फिर किसी और कंट्री में खेला जाना चाहिए, या फिर सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद जो जो टीमें पाकिस्तान का दौरा करना चाहती हैं उनके सारे ही मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएं, और बाकी जो टीमें मना कर दें साफ साफ पाकिस्तान का दौरा करने के लिए, उनके सारे मैचेस UAE या फिर किसी और कंट्री में खेले जाएं।